2x प्लस वाई बराबर 3/3। सॉल्व हो गया समीकरण, दोनों समीकरण आ गए, एक ये है एक है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक संख्या है, इसके बटा में मैं एक कर दूं तो कोई दिक्कत है? दोनों बटा में एक कर दिया, वज्र गुणन कर ले। अब ये समीकरण x प्लस 2y कितने से गुणा होगा? 2 से। 3 को कितने से गुणा होगा? 1 से। 3 गुणा हो गया। अब 2 को x से करेंगे प्लस प्लस प्लस, 2 को x से करेंगे 2x प्लस प्लस प्लस, 2 दूनी 4y बराबर 3 एकम 3। समीकरण नंबर 1। हेलो भाई, इसको लिखो ऐसे वज्र गुणा करने पर। अब इसको 2x प्लस वाई को कितने से गुणा करना है? 2 से, तो कोष्ठ के बाहर 2 लिख दो, लिख लिया बराबर 3 एकम 3, सीधे लिख देते हो। प्लस प्लस है प्लस, 2 दूनी 4x प्लस प्लस है प्लस, 2 को y से करेंगे 2y बराबर कितने आ गए? 3। समीकरण नंबर 2 हो गया, बन गया ना समीकरण। अब इनको नीचे लिखो, 4x प्लस 2y बराबर कितने है? ओके भाई, अब देखो यहां 4 है, ये 2 है, मैं इसको 4 बनाना चाहता हूं, तो ऊपर वाले समीकरण को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 8 को 2 से, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। समीकरण नंबर 3, वैसे तो इसको 2 ही देखते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण नंबर 4 हो गई। अब 4x 4x कटने चाहिए, बराबर तो है, कटने चाहिए, दोनों ही प्लस के हैं, कटते नहीं है, अपने लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर है? ये प्लस का था किसका हो गया? माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो कट गए, 8 में से 2 गए 6y प्लस के, और 6 में से 3 गए 3 y बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का मान आ गया 1/2, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 कितनी थी अपनी? 2x प्लस 4y बराबर थी ना, किसका मान आया? वाई का, तो 2x प्लस 4 गुणा वाई का मान कितना है? 1/2, 4 गुणा 1/2 बराबर कितने हो गए? 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, 2x प्लस 2 एकम 2 बराबर कितने हो गए? 3। पक्षांतर है 2x बराबर 3, ये प्लस का आगे जाके माइनस का, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 आ गया, कर सकते हो।